जिला हमीरपुर में कांग्रेस पार्टी को आज उस समय झटका लगा जब कांग्रेस के अग्रणी संगठन सेवा दल के जिला प्रमुख राजीव चोपड़ा ने भाजपा का दामन थाम लिया। हमीरपुर के सर्किट हाउस में भाजपा जिलाध्यक्ष बलदेव शर्मा की उपस्थिति में राजीव चोपड़ा ने सदस्यता ग्रहण की। बलदेव शर्मा ने उन्हें पार्टी का पट्टा पहनाकर उनका स्वागत किया और पूरे मान सम्मान का भरोसा भी दिया। राजीव चोपड़ा ने पार्टी छोड़ने के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को जिम्मेदार ठहराया। पत्रकारों से बातचीत करते हुए राजीव चोपड़ा ने कहा कि पार्टी के कुछ वरिष्ठ नेताओं ने उनकी ताजपोशी पर कई बार टिप्पणियां की थी, जिसके बाद उन्होंने भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल से मुलाकात कर ये निर्णय लिया। उन्होंने कहा कि ये उनका व्यक्तिगत फैसला है और पार्टी के किसी भी नेता से उन्होंने संपर्क नहीं किया। वहीं उन्होंने कहा कि सेवा दल में उन्होंने 38 साल लगाए हैं, जबकि वह पहले एबीवीपी से भी जुड़े रहे थे। भाजपा जिलाध्यक्ष बलदेव शर्मा ने कहा कि सेवा दल कांग्रेस का प्रमुख संगठन है और उसके प्रमुख का भाजपा में शामिल होना पार्टी को मजबूती प्रदान करेगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी से लोगों का मोह भंग हो चुका है और सभी पार्टी छोड़ना चाहते हैं, साथ ही में भाजपा में सभी को पूरा मान सम्मान दिया जाता है। वहीं हमीरपुर मेडिकल कॉलेज के कार्य में देरी पर बलदेव शर्मा ने कहा कि इस मुद्दे पर स्वास्थ्य मंत्री से बात की गई है कि क्यों कॉलेज के काम के टेंडर बार बार किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री से भी इस बारे में बात की जाएगी। वहीं उन्होंने कहा कि 300 करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने दिए हैं, परंतु डॉक्टरों व मेडिकल सामान के लिए सही जगह न होने से सबको परेशानी होती है। भाजपा में शामिल हो रहे हैं कांग्रेस को छोड़ के, इससे ज़्यादा आज मैं कुछ नहीं बोल पाऊंगा। खुद कहीं जब अपना राजनीतिक कॉलेज जीवन शुरू किया था 1982 में, तो मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का जिला उपाध्यक्ष था और संघ में भी मेरा आना जाना रहा है। पुराना व्यक्ति हूँ, घर वापसी कर रहा हूँ। लोगों को मेरे से परेशानी हो रही थी, जब बना था तब भी हुई थी, उसके बाद भी परेशानी में थे। 38 साल इस पार्टी को दिए हैं मैंने। 38 साल जी, तो आप अकेले ही पार्टी छोड़ कर आपके साथ? अभी मैं अकेला ही आया हूँ, कल धूमल जी से मिला था, उन्होंने बोला आज के लिए बोला था। कुछ मैं अकेला आया हूँ, कुछ लोग आएंगे। हमारा नेशनल ट्रेनिंग कैंप लगा था भोपाल में। कितने दिन का था ये? 11 दिन का था। पार्टी की तरफ से आपको कोई कटाक्ष हो या कोई पर्सनल कोई थी आपके जो पार्टी के जो उच्च पद पे व्यक्ति बैठे उनकी तरफ से कुछ कटाक्ष हुए थे? तो मीडिया से शेयर नहीं करेंगे इस बात को? छोड़ो, अब जो घर ही छोड़ दे उसमें क्या विषय है। पार्टी छोड़ने से पहले अपने जो हाई कमान को? नहीं, मैंने किसी से बात नहीं करी। व्यक्तिगत फैसला है आपका? बिल्कुल, देश के हित में फैसला लिया गया है। भाजपा के साथ काम करेंगे, भाजपा को जो हमारी सेवा की तरफ से आज राजीव चोपड़ा जी जो सेवा दल में 38 साल से कांग्रेस में काम कर रहे थे, आज भाजपा में शामिल हुए हैं। हमारे परिवार की तरफ से, पूरा बीजेपी परिवार की तरफ से इनका स्वागत भी है और इनका अभिनंदन करते हैं। और चोपड़ा जी से आने से पार्टी को भी, संगठन को बहुत लाभ मिलेगा। जो व्यक्ति 38 साल से एक संगठन में, सेवा दल संगठन कांग्रेस का सबसे मुखिया संगठन सेवा दल है, उसके मुखिया के नाते राजीव चोपड़ा जी पार्टी में आए हैं, जो कि आदरणीय मोदी जी की जो नीतियां हैं राष्ट्र के हित में, उनको देखकर और धूमल साहब का जो काम है, अनुराग जी का, वो सारी बातें इनसे हुई है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया और हम भी विश्वास दाते हैं कि पार्टी में मिलजुल कर काम करेंगे। और जिस तरह करें, 38 साल पहले इसी विचारधारा में थे, घर में वापिस आए, परिवार का भी जब 36 साल के बाद वापिस आए तो इसको संगठन को लाभ मिलेगा। मैं फिर एक बार पुनः पार्टी की तरफ से विश्वास लाता हूँ कि हम मिलजुल कर जीव चोपड़ा का जनाइन का और भी सहयोगी आना चाहते हैं, उनका भी स्वागत है। और जिला में संगठन और मजबूत होगा, पार्टी को उसका लाभ मिलेगा, क्योंकि कांग्रेस का सफाया तो पूरे हिंदुस्तान में ही हो रहा है। क्योंकि जो भाषा वो आजकल बोल रहे हैं, जिले के अंदर देखा है, जो भाषा कांग्रेस के लोग बोलते हैं वो पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बोलता है। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए हमीरपुर से एसिंग की रिपोर्ट। लाइफ टाइम्स टीवी के फेसबुक पेज को लाइक करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।